आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिया इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। 75 साल में इन पार्टियों ने जानबूझ के देश को गरीब रखा है, अशिक्षित रखा है, ताकि हम इनकी रैलियों में जाते रहे, हम इनके वोट बैंक बनते रहे। जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब रखे इन्होंने, जानबूझ के इन लोगों ने हमें अनपढ़ रखा। 5 साल में अगर दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिया तो यूपी में नहीं हो सकते थे? करना नहीं चाहते ये लोग, इन्होंने जानबूझ के हमको अनपढ़ रखा है। अब नहीं चलेगा। अब परिवार टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए, योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। ना केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया है। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। दिल्ली में बनवा के आया हूँ, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए। जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, इनसे सरकार नहीं संभली, इन लोगों से पूरी दुनिया में थू-थू हुई। इनका इतना बुरा मैनेजमेंट था कि अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में इनको 10-10, 15-15 पेज के इश्तिहार देने पड़े। करोड़ों रुपए फूंक दिए इन्होंने। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत? दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग। मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिया इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनके बस में इनसे सरकार नहीं चली तो इन्होंने 5 साल में केवल शमशान घाट बनाए और जनता को शमशान घाट बेचने का इंतजाम करा। 75 साल में इन पार्टियों ने जानबूझ के देश को गरीब रखा है, अशिक्षित रखा है, ताकि हम इनकी रैलियों में जाते रहे, हम इनके वोट बैंक बनते रहे। जानबूझ के सरकारी स्कूल खराब रखे इन्होंने, जानबूझ के इन लोगों ने हमें अनपढ़ रखा। 5 साल में अगर दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिया तो यूपी में नहीं हो सकते थे? करना नहीं चाहते ये लोग, इन्होंने जानबूझ के हमको अनपढ़ रखा है। अब नहीं चलेगा। अब जनता खड़ी हो गई है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, भाई मैं, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हम स्कूल अच्छे करेंगे। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने, कि हमारे तो स्कूल बड़े अच्छे हैं, आके देखो। मनीष जी आए देखने के लिए, भाई साहब लखनऊ का पुलिस कमिश्नर भेज दिया कि मनीष सिसोदिया को गाड़ी से नीचे मत उतरने देना। इसका मतलब स्कूल ज्यादा ही खराब है। मैं आमंत्रित करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को, दिल्ली में आओ, कोई स्कूल देख लो, जिस मर्जी स्कूल में घुस जाओ। तो योगी जी ने तो 5 साल सरकार चला ली, इनसे तो स्कूल ठीक हुए नहीं। योगी जी, तुमसे ना हो पाएगा। अब अगर आपको अच्छे स्कूल चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश वालों को अच्छे स्कूल चाहिए तो एक मौका आम आदमी पार्टी को दे दो, और अगर खराब स्कूल चाहिए तो इनको दोबारा वोट दे देना। मैंने सुना योगी जी के पहले 4-4 घंटे के पावर कट लगते थे, अब योगी जी के टाइम पे 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। एक बार और बीजेपी को वोट दे दो, 12-12 घंटे के पावर कट लगा करेंगे। दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और भाई साहब मुफ्त बिजली मिलती है। जिस जिस को जीरो बिजली के बिल चाहिए हमको वोट दे देना, और जिस जिस को महंगी बिजली चाहिए योगी को वोट दे देना। मैंने सुना है कई पार्टियां कह रही हैं जगह जगह जाके, हम भी 300 यूनिट देंगे, हम भी 200 यूनिट देंगे। अरे कोई नहीं देने वाला, ये केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। आज यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, इन्होंने, योगी जी ने नौकरी नहीं दी तुम लोगों को, हमको वोट दे दो, हम नौकरी देंगे आपको। और मैं हवा में नहीं कह रहा, दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दे के आ रहा हूँ, 10 लाख नौकरियां। आपने इन सारी पार्टियों को परख के देख लिया, 5 साल हमें भी देके देख लो, इतने बुरे भी नहीं हम। इस बार दिल्ली के चुनाव में मैंने दिल्ली में बोला था, अगर काम किया हो तभी वोट देना, अगर आपको लगे काम नहीं किया तो वोट मत देना मेरे को। 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में आके भी यही बोलूंगा, एक बार मौका देके देख लो, अगर काम ना करें अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आपके सामने।